हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं शिशु में। शिशु में हमने आज सोचा कि हम थोड़ी सी बोटिंग कर लेते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था बोटिंग करते हुए। मम्मा, मैं, पंकी, हम लोग बोटिंग कर रहे थे। वैसे भी गर्मियों के दिनों में ऐसा कुछ करने के लिए मिल रहा है तो बहुत मज़ा आता है। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था यहाँ शिशु में वोटिंग करने का। मैंने पहले और जगह पे वोटिंग की हुई है, तो मैं काफ़ी मज़े से वोटिंग कर रही थी। काफ़ी इजी होती है वोटिंग करना और काफ़ी मज़ा आता है। जब भी आप शिशु जाएँ और गर्मियों का सीज़न हो तो आप ज़रूर वोटिंग करें, क्योंकि ये एक अलग एक्सपीरियंस है वोटिंग करना। मम्मा को पानी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर हम मम्मा को भी ले आए कि चलो चलो आप आराम से बैठना, मैं और पंकी वोटिंग करेंगे, आप आराम से बैठे रहना यहाँ पे। उसके बाद हम चले गए एक बहुत ही प्यारे स्पॉट पे यहाँ पे, जहाँ पे पत्ते लगे होते हैं इतने प्यारे प्यारे। ये सब टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट है। यहाँ पे रोड में जाते जाते ही आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे अभी तो पत्ते हरे थे, बट थोड़ा सा मौसम आगे जैसे आएगा तो ये येलो हो जाते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। अभी भी काफ़ी प्यारा लग रहा था ये। यहाँ पे आप ज़रूर घूमें और फ़ोटोज़ लें। और यहाँ से नीचे की तरफ को भी बहुत प्यारी जगह है जहाँ पर आप वीडियो शूट्स कर सकते हैं, और यहाँ पर वैसे भी प्री वेडिंग शूट्स होते रहते हैं। और उसके बाद फिर हम चले गए थोड़ा सा पानी की तरफ को, और पानी में बहुत ही मज़ा आ रहा था। वैसे भी मुझे सबसे पसंद है पानी, और मम्मा मुझे डांटती रहती हैं, तो मैं नदी के पास चली गई यहाँ पे और वीडियोज़ फ़ोटोज़ बना रही थी। और इतना अच्छा लग रहा था, और थोड़ी सी शाम भी हो चुकी थी तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो गर्मी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है, तो इतना प्यारा लग रहा था। और पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया पानी में पाँव डालने का। मुझे वैसे पानी में पाँव डाल के बैठना नदी के किनारे बहुत पसंद है, पर पानी ठंडा होने की वजह से मैंने नहीं किया। और मम्मा भी डांट रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा पानी है, जल्दी से आ जाओ तुम वापस। और फिर उसके बाद हम चले जाते हैं वापस दूसरी तरफ को। यहाँ घूमने के बाद हम चले गए कोकसर की तरफ, तो ये इसके अपोजिट पड़ता है। वहाँ पे भी हमने घूमा, वहाँ पे भी फिर से मैं पानी के पास चली गई और बहुत चिल कर रही थी। यहाँ पे पानी के पास जाके काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने मम्मा को कहा कि मम्मा हमारी साथ में वीडियोस बना दो, बट मम्मा को इतने अच्छे से वीडियोस बनाना आ नहीं रही थी, तो मम्मा कोशिश कर रही थी, हम उनको सिखा रहे थे कि मम्मा ऐसे नहीं बनानी है वीडियोस, ऐसे बनानी है। तो काफ़ी बनाई मम्मी ने वीडियोस, पर देख सकते हैं ऐसी ही बनाई, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगी मम्मी भी हमारी वीडियोस बनाना। तो हम काफ़ी खुश हो रहे थे और हमें काफ़ी हंसी भी आ रही थी। और उसके बाद हम काफ़ी घूमने फिरने के बाद यहाँ पे मम्मा को भी मैंने कहा कि आप भी आ जाओ वीडियो में और कुछ बोलो, बट यहाँ पे काफ़ी हवा तेज़ चल रही थी तो सुनाई भी नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने कट कर दिया। और पंकी कुछ बिज़ी रहते हैं अपने फ़ोन पे हमेशा ही, जैसे इनको आदत है हमेशा बिज़ी रहने की, फ़ोन चलाते रहने की। मुझे काफ़ी कम आदत है, क्योंकि पंकी फ़ोन चलाते रहते हैं, बट मैं और मम्मा तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और पंकी बस बिज़ी थे। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो फ़ोन चलाते रहते हैं ऐसी हसीन वादियों में। वैसे भी नज़ारे लेने चाहिए ऐसे हसीन वादियों के, इतनी प्यारे पहाड़ देखने को थोड़ी ना बार बार मिलते हैं। और उसके बाद हम अगले दिन चले गए मनाली में। मनाली में काफ़ी हमने मज़े किए और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पेड़ पौधे भी और फूल भी बहुत अच्छे खिले हुए थे। और उसके बाद आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।